हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ फटे 24/7। मेरा नाम है अमन जोत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का लेटेस्ट रिव्यू, जो कि आपका 8th टू 10th ऑफ फरवरी आया था। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का जो लेटेस्ट रिव्यू है उसके बारे में, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इट इज ऑब्वियस इट इज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेदर इट इज योर वन सेकेंड चलिए वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई सर्कुलर और वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फरवरी मंथ में जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी का रिव्यू आया है वो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मॉनिटरी पॉलिसी का रिव्यू पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी एक्चुअली, व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, इनका काम क्या है, किस तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी आपका फॉर्म किया जाता है, क्यों मॉनिटरी पॉलिसी लाया गया है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और लेटेस्ट चेंजेस जो आपके पॉलिसी रेट्स में या रिजर्व रेशियोज में किए गए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका मॉनिटरी पॉलिसी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमसे पूछा जा रहा है मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय, आपका मॉनिटरी पॉलिसी जो है दिस फॉर्म पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन बनाता है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, आरबीआई आपकी मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है। नाउ आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी क्यों बना रहा है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मेकिंग मॉनिटरी पॉलिसी, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। सो अगर हम बात करें मॉनिटरी पॉलिसी बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आपका है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एक ऑब्जेक्टिव है मॉनिटरी पॉलिसी बनाने का। पर इसी के साथ आपको क्या करना है, एंड टू मेक श्योर यू आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, आप इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सस्टेन कर पा रहे हैं प्राइजेस को स्टेबल रखने के साथ साथ, ये आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये आरबीआई का मेन पर्पस है बिहाइंड द मॉनिटरी पॉलिसी। तो जब भी हम मॉनिटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी, सिंपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको फॉर्मुलेट कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों बना रहा है, आपकी प्राइस स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमी में सस्टेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ठीक है। चलो तो आगे डिस्कस करते हैं, अब कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करें, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, इस एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंट्री में लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है आपका कैश फ्लो, ठीक है, कि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, पब्लिक के पास कैश ज्यादा है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग, सबसे पहली चीज लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि कैश फ्लो इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सिंपली आपका लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा होने से क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा है तो लोग डिमांड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लिक्विडिटी ज्यादा होने से, पैसा ज्यादा होने से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने के कारण अचानक से मनी सप्लाई जो है बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंड बिकॉज डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो आपके प्राइजेस बढ़ने लगते हैं, और प्राइजेस का बढ़ना इट मीन्स वी आर फेसिंग इन्फ्लेशन इन द कंट्री, हम कंट्री में इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, सिंपल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो इट इज महंगाई। महंगाई का सिंपल सा मतलब है जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सो वेन एवर देयर इज राइज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंडीशन इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो आपका यहां पे क्या देखा गया, लिक्विडिटी ज्यादा होने से कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चीजें महंगी हो रही हैं। अब हमने बोला आरबीआई का काम है क्या करना, प्राइसेस को कंट्रोल करना, प्राइसेस को स्टेबल करना। इस प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी में क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई कर देता है अपनी पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी लेंडिंग रेट जो है उसको बढ़ा देता है, पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देता है। पॉलिसी रेट्स बढ़ते ही क्या होता है, बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा जो लोन ले रहे हैं बैंक, या ज्यादा से ज्यादा रिजर्व आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि बैंक्स को रिजर्व ज्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं। रिजर्व कहां मेंटेन कर रहे हैं, आपके सीआरआर और एसएलआर में मेंटेन कर रहे हैं, तो बैंक्स को सीआरआर एसएलआर में रिजर्व ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, पहली चीज। और बैंक्स जो लोन आरबीआई से लेते हैं ऑन बैंक रेट और रेपो रेट और आपका बात करें एमएसएफ, इन सब पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। इट मींस बैंक्स के पास हमारे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स को क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा पैसा रिजर्व रखना पड़ रहा है या लोन लेने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ रहा है, तो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी कम होगी। अब देखो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी कम होने से क्या हो रहा है, बैंक्स जो लोन मार्केट में देंगे पब्लिक को देंगे, यानी कि यहाँ पे लोन की हम बात करें, जो पब्लिक को लोन दिया जा रहा है,
इस पब्लिक को लोन देते वक्त बैंक्स क्या करेंगे, अपनी लेंडिंग रेट्स को इंक्रीज कर देंगे। लेंडिंग रेट्स इंक्रीज होने का सिंपल सा मतलब हो गया, हम लोगों को जो लोन मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है, यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उस लोन पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन पे, तो आप लोन कम लेंगे। कम लेंगे यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, जैसे ही पैसा कम होगा लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अपने आप आपके प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव था प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, वो इस तरीके से, इस प्रोसेस को यूज करके आरबीआई ने कम कर दिया। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? डू पार्टिसिपेट इन द सेशन, सेशन में एक्टिव रहें। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए उस चीज को कि ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, बट स्टे एक्टिव इन द सेशन। ठीक है, चलो हम क्या बोल रहे हैं, प्राइजेस कम हो गए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि प्राइजेस कम करने हैं, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। पर देखो, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? जैसे ही आपने इकोनॉमी से पैसा कम किया तो आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। पैसा कम करते ही डिमांड कम हो गई, इट मींस आपके लोग गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मांग रहे। जब पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं कर रही, तो आपका प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने का सिंपल सा मतलब है आपकी जीडीपी का कम होना, और जीडीपी का कम होने का मतलब है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का डिक्लाइन होना, फॉल होना। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, जब आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करके प्राइसेस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ रहा है। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको प्राइसेस स्टेबल रखने हैं। तो हमने आरबीआई को ऑब्जेक्टिव क्या दिया कि ठीक है, आपको हमने कहा है कि आप क्या करोगे, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे। आप प्राइस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करोगे, पॉलिसी रेट्स को या तो कभी इंक्रीज किया जाएगा या तो कभी डिक्रीज किया जाएगा। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्राइस स्टेबिलिटी के कारण इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी एंड ऑल्सो फोकसिंग दैट इट विल नॉट इफेक्ट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए क्लियर, सो दैट हम आगे बढ़े। स्टूडेंट डू लाइक द सेशन ऑल्सो। ठीक है, सेशन को लाइक करें एंड आपके जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर करें हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। अगर आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करें, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करें, ये वहां पर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक हमें क्लियर हुआ व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपका प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। कैसे कर रहा है? एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, पॉलिसी रेट्स को बढ़ा के प्राइसेस मेंटेन किए जा रहे हैं, पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम ना हो ये भी ध्यान आरबीआई को रखना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी रेट्स जो होंगी वो क्या होंगी, डिसाइड की जाएंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और क्या क्या आपका पॉलिसी रेट जो है या मॉनिटरी पॉलिसी है ये और किस चीज की बात करता है। तो सबसे पहली चीज, पॉलिसी आपका मॉनिटरी पॉलिसी बना रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए, और नेक्स्ट वी आर सेइंग किसके लिए बना रहा है, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बना रहा है। आगे बात करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी का रिव्यू कब आता है। तो मॉनिटरी पॉलिसी के जो भी रिव्यू है हमारे, ये बाय मंथली होते हैं। रिव्यूज क्या है आपके? बाय मंथली। ठीक है, बाय मंथली रिव्यू आपका होता है। अब ये बाय मंथली रिव्यू स्टार्ट कब से हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है 2013 से। 13 के पहले क्वार्टरली रिव्यू आता था, याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का 2013 के पहले क्वार्टरली रिव्यू आता था। अब कैसा रिव्यू आता है आपका? बाय मंथली। और ये जो रिव्यू है ये चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू, या फिर किसके रिकमेंडेशन पे, मिस्टर रघुराम राजन, मिस्टर रघुराम जी राजन। ठीक है, मिस्टर रघुराम गोविंद राजन के रिकमेंडेशन पे क्वार्टरली से इसके रिव्यू का हम कहां लिया है, बाय मंथली। यानी कि अब एक फाइनेंशियल ईयर में आपके 6 times रिव्यू आएंगे, और जो फाइनेंशियल ईयर मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे यूज किया जाता है वो है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है वही फाइनेंशियल ईयर यूज होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में टोटल 6 रिव्यूज आते हैं आपकी मॉनिटरी पॉलिसी के, क्योंकि बाय मंथली रिव्यू आता है। इट मींस जो हम लेटेस्ट रिव्यू की बात कर रहे हैं, अभी जो हमारा फैब 2022 का रिव्यू आया है, ठीक है, फैब 2022 रिव्यू जो है, इट इज द लास्ट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22।
आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ये लास्ट रिव्यू है, ठीक है बेटा। एसएलआर आपका क्या होता है? एसएलआर स्टैंड्स फॉर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जहां पे सभी कमर्शियल बैंक्स को अपने पास अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एसएलआर। बैंक्स अपने पास रिजर्व रखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, उस रेट को हम बोलेंगे रेपो रेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया आपका फरवरी का जो रिव्यू है वो लास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम है 12th of March को, और उसके पहले नेक्स्ट रिव्यू नहीं आएगा। जो नेक्स्ट रिव्यू आएगा वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आएगा, तो इंटरव्यू के पहले आपको अपडेट होकर जाना पड़ेगा न्यू रिव्यू से, पर एग्जाम तक आपका जो मॉनिटरी पॉलिसी का रिव्यू है वो यही आपको याद से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कौन बनाता है, क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, कब बना रहा है, कितने रिव्यू आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है क्या। मॉनिटरी पॉलिसी तो हम लेकर आ गए, नाउ व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, इसका डिस्कशन करते हैं कि ये कमिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कमिटी को बनाया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है इसको बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। नाउ कब बनाया गया, तो इसका फर्स्ट मीटिंग जो थी आपकी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी आपका हुआ था अक्टूबर 2016 में। कब हुआ था? अक्टूबर 2016 में पहली मीटिंग हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हुई थी। नेक्स्ट थिंग, इस कमेटी में मेंबर्स कितने होते हैं? तो देयर आर टोटल 6 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे? 6 मेंबर्स। इन 6 में से 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड द नेक्स्ट 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 3 मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मॉनिटरी पॉलिसी, इनको कहा जाता है अकेडमिशंस। ये क्या कहलाते हैं? आपके अकेडमिशंस कहलाते हैं। इन अकेडमिशंस का जो ड्यूरेशन होता है, कितने टाइम के लिए ये ऑफिस को सर्व करेंगे, वो होता है आपका 4 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर। और अंटिल फर्दर ऑर्डर, अंटिल गवर्नमेंट की तरफ से फर्दर ऑर्डर नहीं आते तब तक, या फिर ये 4 years तक सर्व करते हैं इस ऑफिस को, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को। नाउ विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, ये आपका रहेगा उन लोगों के लिए जो अपॉइंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और उनको हम बोलते हैं अकेडमिशंस, ठीक है। ये हो गया आपका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इसके अलावा इस कमेटी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो आपका सेक्शन 45ZB बात करता है आपके किसकी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की। पर कौन से एक्ट में, तो आपका अमेंडमेंट RBI एक्ट 1934। तो अमेंडमेंट RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB में डिफाइन किया गया है आपके मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, फर्स्ट मीटिंग 2016 में हुई थी, टोटल मेंबर 6 होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो कहलाते हैं अकेडमिशियंस, ठीक है। दीज मेंबर्स आर नोन एज अकेडमिशियन। नहीं, आपका डेट्स जो है वो चेंज होता है, फर्स्ट वीक में मैक्सिमम होता है कि मैक्सिमम चांसेस है फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका रिव्यू आता है, बट इट्स नॉट फिक्स, ये चेंज हो सकता है। बट इट इज फिक्स कि आपका बाय मंथली होगा, हर 2 महीने में ही होगा, ठीक है। अकेडमिशियंस अलोक उनको कहा जाता है जो आपके गवर्नमेंट के तरफ से मेंबर 3 अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। द पर्सन्स हु आर स्टडिंग द इकोनॉमी, द पर्सन्स हु आर स्टडिंग इकोनॉमीज स्टैटिक्स, उनको हम अकेडमिशियंस के नाम से यहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है। एंड दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो, तो ये बेसिक हो गया आपकी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का, कौन लेकर आया था, क्या, अच्छा क्यों लेकर आए हैं, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिसी रेट्स, कि आपकी पॉलिसी रेट्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ डिसाइड की जा रही है, आफ्टर रीडिंग द स्टैटिक्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के स्टैटिक्स को रीड करने के बाद बिल्कुल कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम, बाय फोकसिंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी, की ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि इकोनॉमी में ऐसा था इसलिए पॉलिसी रेट्स को चेंज किया गया, ठीक है। दिस इज योर बेसिक्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। नाउ आगे बढ़ते हैं, और ये 6 मेंबर्स कौन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है आपके मिस्टर शशांक भिडे, सेकंड इज डॉक्टर अश्मिया गोयल, नेक्स्ट इज प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। दीज 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिसेंटली मतलब अभी ये मेंबर्स अपॉइंटेड है, कि तीनों मेंबर्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। नेक्स्ट 3 मेंबर्स की अगर हम बात करें, तो ये नेक्स्ट 3 मेंबर्स आपके अपॉइंटेड है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पे इस कमिटी से रिलेटेड एक और चीज जो आपको याद रखनी है, कि कमिटी के जो चेयरमैन होंगे, ये चेयरमैन की पोस्ट को एक्स ऑफिसो पोस्ट बनाया गया है,
ये चेयरमैन की पोस्ट आपकी क्या है, एक्स ऑफिसो पोस्ट है। अब देखो एक्स ऑफिसो पोस्ट क्या होता है ये समझना, आपकी किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट से डिसाइड कर दिया जाता है कि जो भी मेंबर इस पोस्ट पे होगा वही मेंबर इस पोस्ट को भी सर्व करेगा। लेट्स टॉक अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग आप सभी ने सुना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का कहना है कि हमारे चेयरमैन जो होंगे वो हमेशा कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। अब हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली कौन सी पोस्ट को होल्ड कर लेगा, नीति आयोग के चेयरमैन की पोस्ट को। सिमिलरली यहां पर है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरमैन कौन होंगे, आपके आरबीआई के गवर्नर। चेयरमैन में एक्स ऑफिसो पोस्ट दी गई है और वो एक्स ऑफिसो पोस्ट कौन सर्व करेगा, आपके गवर्नर। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे जो गवर्नर हैं वो है मिस्टर शक्तिकांता दास राइट नाउ। ठीक है, अब जैसे ही मॉनेटरी आपकी आरबीआई के गवर्नर चेंज होते हैं वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन भी चेंज हो जाएंगे। तो दोस पोस्ट जिनको पोस्ट से ही फिक्स कर दिया जाता है वो आपकी एक्स ऑफिसो पोस्ट कहलाती है। नेक्स्ट, मिस्टर एमडी पात्रा की हम बात करें तो ये कौन है हमारे, ये है हमारे डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, डीजी लिखने में शॉर्ट में ओनली डेप्यूटी गवर्नर है। अब ये डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट भी आपकी एक्स ऑफिसो पोस्ट है, या फिर सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आरबीआई की तरफ से जितनी भी पोस्ट यहाँ पे अपॉइंटेड है दोस पोस्ट आर एक्स ऑफिसो पोस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट तो गवर्नर होंगे चेयरमैन, सेकेंड एक डेप्यूटी गवर्नर होंगे आपके, और जो थर्ड मेंबर है ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये जो थर्ड मेंबर है इसको सेलेक्ट कौन करता है, तो इसको सेलेक्ट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। आरबीआई के सेंट्रल बैंक में टोटल मेंबर्स होते हैं आपके 21। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 21 मेंबर्स होते हैं, और ये 20 मैक्सिमम 21 हो सकते हैं। मिनिमम जितने में आरबीआई काम चला सकता है उतने मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, पर मैक्सिमम 21 हो सकते हैं। तो ये 21 मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में की तरफ से कौन नेक्स्ट मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जाएगा। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर। यहाँ पे एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ईच मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होता है, बट आपके चेयरमैन के पास, चेयरमैन विल हैव टू वोटिंग राइट्स, टू वोटिंग राइट्स। आपके चेयरमैन के पास टू वोटिंग राइट्स होंगे, यानी कि वो अपना वोट दो बार दे सकते हैं, बट द रिमेनिंग फाइव मेंबर्स, रिमेनिंग फाइव मेंबर्स जो हैं विल हैव वन वोटिंग राइट, ईच वन विल हैव वन वोटिंग राइट। ठीक है, पांच मेंबर्स जो हैं उन सबके पास एक एक वोटिंग राइट होगा, पर आरबीआई गवर्नर के पास आपके पास दो वोटिंग राइट्स होते हैं, और आरबीआई के गवर्नर अपना सेकेंड वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आपका क्या हो, मेंबर्स के डिसीजन में टाई हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि तीन मेंबर्स के वोट हैं पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना है, और तीन मेंबर्स बोल रहे हैं पॉलिसी रेट्स को कम करना है, इन सॉरी ये तीन मेंबर्स बोल रहे हैं पॉलिसी रेट को कम करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिसीजन में टाई हो गया कि तीन बोल रहे हैं बढ़ा दो, तीन बोल रहे हैं कम कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके आरबीआई गवर्नर जो है वो अपने सेकेंड वोट का यूज करते हैं और डिसाइड करते हैं रेट्स को बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में या मॉनिटरी पॉलिसी में बेसिक्स के बारे में आपको बता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, रिव्यू की बात करते हैं। क्या रीसेंट मंथ का रिव्यू आपका है, या लास्ट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 हमें क्या बताता है उसके बारे में पढ़ते हैं। वोटिंग राइट्स होते हैं आपके किसके लिए, जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी रेट्स को चेंज करना है कि बढ़ाना है। देखो जो सिक्स मेंबर्स हैं, ये सिक्स मेंबर्स अपने अपने वोट देते हैं आफ्टर स्टडिंग द स्टैटिक्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का स्टैटिक पढ़ने के बाद ये बताते हैं कि हमें पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए। तो उसी में ये अपना वोट देते हैं कि हम साइड हैं किसके, कि हमें पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना चाहिए। कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं पॉलिसी रेट्स को कम करना चाहिए। तो वोट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि मॉनिटरी पॉलिसी के रिव्यू में रेट्स को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। ठीक है, इसलिए आपके वोटिंग राइट्स काम आते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यू की फरवरी 2022 की। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एन असेसमेंट ऑफ द करेंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप बात करते हो तो इकोनॉमी एज अ होल हम देखते हैं, है ना, हम क्या देखते हैं, इकोनॉमी एज अ होल हम देख रहे हैं, तब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं। तो सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, करंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इसकी मीटिंग जो हुई थी फरवरी 2022 को डिसाइड किए गए कुछ पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स डिसाइड किए, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, कीप द पॉलिसी रेट अंडर LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अनचेंज 4%। यानी कि आपका यहाँ पे रेपो रेट रहेगा 4%। रिमेंबर दिस, पॉलिसी रेट डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द रिवर्स रेपो रेट अंडर LAF अनचेंज 3.35, यानी कि रिवर्स रेपो रेट भी आपका अनचेंज रखा गया है, दैट इज योर 3.35%।
नाउ पर एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एट द बैंक रेट 4.25%, यानी कि आपका बैंक रेट भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये पूरा आपका एक मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर होता है जिसमें हमें कम से कम एक आर में इन सबको डिस्कस करना होगा. सो दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो कि आपका ये क्या होता है ना, पॉलिसी रेट्स में रेपो रेट कौन है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये नहीं है, उसके लिए एक सेशन हम लेकर आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी का अलग से, वहां पे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ इनके जो रेट्स करेंट चल रहे हैं उनको आप याद रखो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ सब अनचेंज रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए. यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता क्या है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ. जहां पे बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई से एडिशनल रिक्वायरमेंट जो लिक्विडिटी की होती है उसको फुलफिल करने के लिए फंड्स लेते हैं. कौन ले रहे हैं फंड्स? बैंक्स ले रहे हैं आरबीआई से, सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट ड्यूरेशन के लिए. तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट ड्यूरेशन के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट है लिक्विडिटी की उसको फुलफिल करने के लिए ओवरनाइट ड्यूरेशन यानी कि 24 आवर्स के लिए लोन लेते हैं. तो यहाँ पे आरबीआई ने एक कंडीशन दी है कि आपको जब लोन लेना होगा एमएसएफ में तो आप लोन ले सकते हो, पर आप कितना ले सकते हो वो एनडीटीएल का परसेंटेज होगा, और वो एनडीटीएल का परसेंटेज जो है वो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3% कर दिया था 2 से बढ़ाकर, जिसको दोबारा से आरबीआई ने कितना कर दिया है, 2% कर दिया है. तो ये जो रीसेंट चेंज है ये भी आपको याद रखना है कि एमएसएफ में बैंक्स जो लोन ले सकते हैं वो लोन कितना ले सकते हैं, एनडीटीएल का 2% फॉर द ओवरनाइट ड्यूरेशन, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए. ठीक है, अब 24 आवर्स के लिए पैसा क्यों लेते हैं, एमरजेंसी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ये सब हम अलग चैप्टर में या अलग सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहां पे आपको ये चीजें तो याद रखनी है, क्लियर. चलिए सेशन को बीच में लाइक भी करते रहें साथ साथ, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं हम और आके अब बात करते हैं. ये हो गया आपका पॉलिसी रेट सारी, ये सभी आपकी क्या कहलाती है, पॉलिसी रेट्स हैं ये आपकी, पॉलिसी रेट्स जो अनचेंज रही है आपके लास्ट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में. नेक्स्ट हम बात करें आपके रिजर्व रेशियोज भी होते हैं, रिजर्व रेशियोज. रिजर्व रेशियो जो है वो कहा जाता है आपका सीआरआर और एसएलआर को, बिकॉज यहाँ पे बैंक्स को रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं, कुछ पैसा जमा रखना होता है अपने पास और आरबीआई के पास. तो इनकी बात करें तो आपका सीआरआर 4% है और आपका एसएलआर 18% है. तो ये सारी पॉलिसी रेट्स हैं और रिजर्व रेशियोज हैं जिनके परसेंटेज आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए. इन पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है या इंटरव्यू में आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीसेंट रिव्यू. इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि पॉलिसी रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है. आगे बात करें तो और क्या क्या चेंजेस किए गए, यहाँ पे बोला है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑल्सो डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अकोमोडेटिव सेंटेंस एज अ लॉन्ग एज नेसेसरी टू रिट्रीव एंड सस्टेन ग्रोथ ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस ऑन कंटिन्यू टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द इकोनॉमी वाइल इंश्योरिंग दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड. अब इस चीज को यही रखने की, अनचेंज रखने की बात आरबीआई ने क्या कही कि हम इसको सेम रखेंगे ताकि जो कोविड का इम्पैक्ट है उससे हम ओवरकम कर सकें, या उस इम्पैक्ट को हम इकोनॉमी पे पड़ने से कम कर सकें, या फिर हम बोले हमारे टारगेट्स को अचीव कर पाए. कौन से टारगेट की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन टारगेट की. ठीक है, इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो आपका 4% है, जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपस में कंसल्ट करके डिसाइड करते हैं, और प्लस माइनस आपका 2% है, यानी कि मिनिमम 2% इन्फ्लेशन और मैक्सिमम आपका 6%, ये रेंज है आपकी इन्फ्लेशन की जो हमें मेंटेन करनी है इन द इकोनॉमी. और इसको मेंटेन रखने के लिए हमारे जो पॉलिसी रेट्स हैं, हमारे जो रिजर्व रेशियोज हैं, उनको हम यही रखेंगे स्टेबल जब तक जरूरत होती है तब तक. ये स्टेटमेंट आरबीआई ने सिंपल सा दे दिया. तो यहां से आपको इन्फ्लेशन का टारगेट भी याद रखना है. इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है आपका, 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि 2 to 6 की रेंज में आपका इन्फ्लेशन का टारगेट हम लेकर चलते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही सेम चीज आ गई, मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस 2% आपका है किसके ऊपर, 4% के ऊपर. कौन से इन्फ्लेशन की बात करें, सीपीआई की. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले से, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, अगर आपको इन्फ्लेशन मेजर करना है तो मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्सेस हैं हमारे पास. कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, अगर हम बात करें तो हमारे पास सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, देन वी हैव आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, देन वी हैव इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ये चार इंडेक्स हैं जो इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, कोई होलसेल में कर रहा है, कोई रिटेल में कर रहा है, कोई प्रोडक्शन के टाइम पे कर रहा है, कुछ वेरियस सेक्टर्स पे कर रहा है. तो सबके अलग अलग मेजर करने के तरीके हैं, पर यहाँ पे आरबीआई ने जो अडॉप्ट किया है दैट इज सीपीआई.
मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू जो है आरबीआई के इन्फ्लेशन टारगेट जो होते हैं उसके लिए किस इंडेक्स को अडॉप्ट किया गया है, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं, आपका ये हो गया आपका इन्फ्लेशन का टारगेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरबीआई ने कहा है कि आपकी ट्रेड की बात करते हैं, वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड कंटिन्यूज टू ग्रो, वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड जो है वो आपका ग्रो रहा है, मर्केंडाइज मीन्स आप गुड्स की बात कर रहे हो, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हो, तो आपका जो वर्ल्ड ट्रेड है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो हो रहा है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें इन इट्स जनवरी 2022 अपडेट, किसके अपडेट की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि कौन देता है आपको, आईएमएफ देता है। नाउ व्हाट इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और अगर क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो वहां पे इनको लोन भी प्रोवाइड करता है, हेल्प भी करता है, ठीक है। तो आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसके अंदर कहा गया है, रिवाइज किया गया है, रिवाइज द ग्लोबल आउटपुट ट्रेड ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2022 फाइनेंशियल ईयर डाउनवर्ड टू 4.4% एंड 6% फ्रॉम इट्स अर्लियर फोरकास्ट ऑफ 4.9% टू 6.7%, ठीक है, यानी कि 4.9% से आपका जो टारगेट था, फोरकास्ट था, प्रोजेक्शन जो था वो 4.4% कर दिया है, एंड जो आपका 6.7% था आपका वो कम करके अब कितना कर दिया, 6%। तो आपका ग्लोबल आउटपुट एंड ट्रेड ग्रोथ प्रोजेक्शन किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल आउटपुट की एक तो हम बात कर रहे हैं, और आपका ट्रेड ग्रोथ प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये जो थे आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2022 में क्या कर दिए हैं, डिक्लाइन कर दिए हैं, कम कर दिए, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रोन वेरिएंट, ठीक है, ओमिक्रोन के कारण ये कहा गया है कि आपका ओमिक्रोन जो है उसके बढ़ने के कारण बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन लगा था, और इस कारण ग्लोबल आउटपुट जो है आपका और ट्रेड ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है इसको पहले से कम कर दिया है आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में। Now this slide is also very important. Directly आपसे पूछा जा सकता है World Economic Outlook के according आपका global output for financial year 2022 क्या है? So you have to remember कि 4.4 है, पहले 4.9 था। ये भी पूछा जा सकता है कि अब 4.4 है, IMF ने किससे कम करके 4.4 किया है? तो you have to remember कि 4.9 से कम करके 4.4 किया है। So this particular slide is also very important. ठीक है? Now next बात करें अगर हम first advance estimates की। अब ये first advance estimates क्या है? एडवांस एस्टिमेट्स हैं जो आपका एनएसओ लेता है, दैट इज योर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो देखो सिंपल है, एक मिनिस्ट्री आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का काम क्या है, कंट्री के जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा से उनका कैलकुलेशन करवाना, उनका सर्वे करवाना, उनका उनको मैनेज करना, उनको कैलकुलेट करना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करता है। इस मिनिस्ट्री में टोटल 5 विंग्स हैं, कितने विंग्स हैं इस मिनिस्ट्री में, टोटल 5 विंग्स हैं, इस 5 में से एक विंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू हमारे नेशनल इनकम, हमारी जीडीपी एस्टिमेशन, सारे स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन कैलकुलेट किए जाते हैं, जहां पे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, आपका नेशनल इनकम हो सकता है, जीडीपी हो सकता है, सबको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन है एनएसओ का, ऑन जनवरी 7, 2022 प्लेस इंडिया रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ एट 9.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है, आपके प्री पैंडेमिक जितने भी लेवल्स थे, जो भी टारगेट्स थे, उन सबको ये सरपास कर रहा है। तो बोला गया है कि आपका रियल जीडीपी जो है ना, रियल जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर कौन सा आपका 21-22, इसका टारगेट लिया गया है 9.2%, दिस इज 9.2%, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद रखना है, ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो रियल जीडीपी की बात हो गई, आपका कितना 9.2% की बात हम करें। नाउ ऑल मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एक्सीडेड देयर 2019-2020 लेवल्स बैरिंग प्राइवेट कंजम्पशन। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। तो हमारी जीडीपी जो है ये 4 इंजन से मिलकर चलती है, वी कैन से जीडीपी के 4 कंपोनेंट्स हैं या 4 इंजन से हम ये बोल सकते हैं। वो 4 इंजन क्या है, पहला होता है आपका कंजम्पशन, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजम्पशन मीन्स हम लोग, पब्लिक की जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, जो पब्लिक कंज्यूम कर रही है, दैट कम्स अंडर द सी कंजम्पशन, ठीक है। सेकेंड आता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है कंट्री पे, यानी कि एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के कितने हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका आई स्टैंड्स फॉर आपका वी कैन से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फर्म्स जो है, प्राइवेट बिजनेस फर्म वो जो इन्वेस्टमेंट कर रही है।
एंड नेक्स्ट होता है आपका एनएक्स, एनएक्स स्टैंड फॉर योर नेट एक्सपोर्ट्स, वो क्या होगा आपका नेट एक्सपोर्ट्स होगा। तो यहाँ पे ये जीडीपी फोर इंजन यानी कि फोर कंपोनेंट से मिलकर चल रही है। तो आपका प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो हमारे कंजम्पशन के पार्ट के अंदर आता है। तो 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ड्यू टू कोविड हमें पता है हमारे कंजम्पशन कम हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही थी, तो कंजम्पशन हमने कम किया था जिसके कारण आपको याद होगा हमारी जीडीपी भी नेगेटिव हो गई थी, राइट। जीडीपी भी आपकी गिर के क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 2019-2020 के जो लेवल्स हैं उससे सारे कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी के जो है वो ज्यादा है, बिकॉज अब डिमांड ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है रियल जीडीपी क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीडीपी क्या होते हैं, मॉस्पी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है बिकॉज एनएसओ आपका एक इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। In its January 31 release, the NSO revised the real GDP growth for the financial year 2021 -6.6% से from the provisional, इतना कर दिया है from the provisional estimates of 7.3%। यानी कि 2021 का जो हमारा GDP growth, real GDP growth का estimation था या projection था आपका NSO का, जो 7.3 था उसको कितना कर दिया है 6.6% पर माइनस में। यू नो हम क्या कर रहे हैं आपका अप्रैल 2020 का यानी कि 2020 फाइनेंशियल ईयर का पहले क्वार्टर की जीडीपी हमारी नेगेटिव गई थी, तब से हम जीडीपी को क्या देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एस्टिमेशन था आपका 2021 का वो -7.3 से -6.6% कर दिया है एनएसओ ने। व्हाट इज एनएसओ, स्टैंड फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। नाउ लेट मी नो यहां तक सबको क्लियर है क्या, आगे बढ़ू मैं, जल्दी से बता दीजिए यहां तक सारे पॉइंट जितने भी हमने डिस्कस किए सबको क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्ड करिए, ऑल द टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। बेटा सीआरआर इज 4%, कहां से चेक करना है मैं आपको बताती हूँ अभी, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट दिखाऊंगी, हमेशा आप उस वेबसाइट को ही डेटा को ही लेटेस्ट मान के जाएंगे, ठीक है मनजोत, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक हमारा समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या आपके डेटास दिए गए हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई की, हेडलाइन सीपीआई की अगर हम बात करें तो ये आपका कितना एज्ड अप टू 5.6% ईयर ओवर ईयर इन दिसंबर फ्रॉम 4.9% इन नवंबर ड्यू टू लार्ज एडवर्स बेस इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेडलाइन सीपीआई की हम बात करें, व्हाट डज हेडलाइन इन्फ्लेशन स्टैंड फॉर, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोर इन्फ्लेशन आपका ऐसा इन्फ्लेशन होता है जहां पे आप एक्सक्लूड कर देते हो फूड एंड फ्यूल कमोडिटीज को, यानी कि फूड एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी चीजों पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, तो वो आपका कोर इन्फ्लेशन होता है। एंड जब आप फूड और फ्यूल पे ही इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर वो आपका हेडलाइन होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस, क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिए, बिल्कुल हाँ। जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आता है तो वो डिस्क्लोज करते हैं किसने क्या आपकी वोटिंग दी है, बिल्कुल करते हैं भूमिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन का बता दिया आपका दिसंबर ईयर ओवर ईयर और नवंबर के बारे में बताया। अब कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो बोला गया स्टेट इवैल्यूएटेड थ्रू देयर वाज सम मॉडरेशन फ्रॉम 6.2% इन नवंबर टू 6% इन दिसंबर, ठीक है। तो 4.9 से हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका 5.6 हो गया। एज यू नो फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन यहाँ पे ज्यादा देखा गया, 4.9 से 5.6 हो गया। पर जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, इनको छोड़ के अदर चीजों की बात करें, तो आपका इन्फ्लेशन नवंबर में 6 था, सॉरी दिसंबर में 6 हो गया, नवंबर में 6.2% था, ठीक है। यहाँ पे क्यों हुआ, ड्रिवन बाय द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन का डेटा। Now RBI Governor Mr. Shaktikanta Das is expecting the growth for the financial year 23 that is 7.8% on the growth front. Now RBI's again target related to your CPI inflation estimation for the financial year 2022 has been retained at the 5.3%. Okay, these are the estimations or these are the expected growth by Reserve Bank of India जो RBI estimate कर रहा है। इससे पहले जो हमने देखा था वो हमने NSO की बात करी थी, याद रखना किसने क्या estimation दिया है, बहुत important है, ठीक है, confuse मत होना details में, clear।
So these all are the information, or these all are the review of Monetary Policy Committee meeting, the last meeting of the financial year 2022. उसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है. Now अब मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स को जब भी आपको स्टडी करना होगा, वी हैव टू गो टू द आरबीआई वेबसाइट. आरबीआई की वेबसाइट पे आप कहाँ जाएंगे, लेट मी शो यू. सबसे पहली चीज, आरबीआई की वेबसाइट, कोई भी रीसेंट डेटा आपको पढ़ना है, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन आप चेक करना चाहते हो, तो हमेशा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही करना है, ठीक है. सो दिस इज द पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. आपके मास्टर सर्कुलर भी यहीं मिलेंगे, नोटिफिकेशन हो गया, प्रेस रिलीज हो गया. आप जब प्रेस रिलीज में जाएंगे तो पूरा मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो सिक्स रिव्यू था वो मिल जाएगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी रेट्स, तो आप यहां से देख सकते हैं. सबसे पहली चीज पॉलिसी रेट्स की हम बात करें, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एमएसएफ 4.25, बैंक रेट 4.25, ठीक है. नेक्स्ट आपका रिजर्व रेशियोज की बात करें तो सीआरआर एसएल आपका रिजर्व रेशियो के अंदर आता है. नाउ व्हाइल यू आर गोइंग टू गिव फॉर एन इंटरव्यू, व्हाइल यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं देन आपको ये अपडेट करके जाना पड़ेगा, बिकॉज यू नो आपका इंटरव्यू जो है वो अप्रैल मंथ में, मार्च में आपका एग्जाम है, अप्रैल या उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. तो इट इज ऑब्वियस तब तक आपका फर्स्ट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आ चुका होगा. तो इस वेबसाइट से आपको अपनी पॉलिसी रेट को क्या करके जाना है, वट वी हैव टू डू, आपको रिवाइज करके जाना है, चेक करके जाना है. एंड इफ यू वॉन्ट अ फुल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द मॉनिटरी पॉलिसी, तो आपका मॉनिटरी पॉलिसी, आप जाएंगे प्रेस रिलीज के ऊपर, तो 10th ऑफ फरवरी की डेट में जब आप जाएंगे तो मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आपको यहां से मिल जाएगा. ये पूरा स्टेटमेंट है मॉनिटरी पॉलिसी का जो आरबीआई ने रिलीज किया है अंडर द प्रेस रिलीज. यहां से आपको सारी डिटेल्स पढ़नी है. इन फ्यूचर भी अगर आप किसी भी डिटेल को पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट, ठीक है. सो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आपका आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी. नाउ वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, दोज कैंडिडेट्स हु आर प्लानिंग टू गेट अ सर्टेन बैच और डेडिकेटेड बैच फॉर योर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रिपरेशन, उनके लिए एक बैच हम लेकर आए हैं. दैट इज ऑन अडर 24/7 वेबसाइट, आपके वेबसाइट पे या आपको अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा. लेट मी शेयर द एप्लीकेशन विद यू ऑल. चलिए, तो दिस इज द पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ अडर 24/7. इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के टैब पे जाना है. जब आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज और आपका बैच अवेलेबल है. सो दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of February, यानी कि कल से ये बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है. इस बैच का टाइमिंग जो है यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, ये आपके टाइमिंग रहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू नो कि आपका क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, तो यू हैव टू क्लिक द चेक द स्टडी प्लान. इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके पूरी क्लासेस का, बैचेस का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे मिल जाएगा स्टडी प्लान के अंदर, ठीक है. नाउ वन मोर इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो, अगर आप आरबीआई के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सेवी के लिए या नाबार्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक ऑफर है आपके लिए जो वैलिड है ओनली फॉर टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको परचेज कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ इन द कोर्स, जहां पे आप अपनी मेल आईडी देकर एक कूपन कोड यूज करेंगे, दैट इज Y343. इसको जब आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा. तो ये बैच आपका 2700 रहेगा. इफ यू वांट एडिशनल 1% डिस्काउंट टू अदर 24/7 एप्लीकेशन, जहां से मैंने आपको प्रैक्टिस करने को कहा था कि अपनी क्विजेस की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करो, वहां से परचेज करेंगे तो यू विल गेट 1% एडिशनल डिस्काउंट, राइट. नेक्स्ट, अगर हम इसके बार अलावा बात करें तो देर इज अ डबल वैलिडिटी ऑफर फॉर टूडे ओनली, आज के लिए आपका डबल वैलिडिटी ऑफर है, जहां पे आप जो भी महापैक परचेज करते हैं, बैंक वहां पर जब आप परचेस करेंगे तो आपको वहां पे डबल वैलिडिटी मिलेगी. इट मींस इफ यू आर परचेजिंग फॉर अ 6 month वैलिडिटी तो आपको 12 months का वैलिडिटी वहां पे मिलेगा, ठीक है. एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, जहां पे आपके सभी बैंक महापैक जो हैं उनके ऊपर ये ऑफर अवेलेबल होगा. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई और अदर एग्जाम्स ऑल्सो, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप एक इंडिविजुअल बैच ना लेकर आप क्या करें, महापैक में एनरोल करें. तो आरबीआई, नाबार्ड और आपका सेबी, जितने भी ग्रेड लेवल एग्जाम्स हैं, इन सबको कवर करता है आपका बैंक महापैक प्लस. और ये बैंक महापैक प्लस भी आपको अपनी ही वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा. अरे 24/7 एप्लीकेशन में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बैंक महापैक के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है. सो यू कैन एनरोल फ्रॉम हियर. सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज सेशन, और आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क. यस, हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो सेशंस होंगे ये डेली रहेंगे. आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर कि हमारे जो सेशंस हैं वो डेली रहते हैं. कब रहते हैं, लेट मी टेल यू वंस अगेन, जहां पे 7:30 PM पे हम डिस्कस करेंगे आपका प्रोफेशनल नॉलेज. 7:30 PM पे हमारा प्रोफेशनल नॉलेज होगा डेली, मंडे टू सैटरडे, ठीक है.
एंड कल से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15th ऑफ फेब्रवरी से, जिसमें आपकी क्लासेस जो प्रोफेशनल नॉलेज की रहेंगी वो रहेंगी 8 to 10 PM। आपका प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट जो रहेगा वो 15 फेब्रवरी से स्टार्ट होने जा रहा है बैच, उसमें आपकी क्लासेस जो रहेंगी वो 8 to 10 PM रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल है गौरव। रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी शेड्यूल है, यूट्यूब पे भी शेड्यूल है और आपके पेड बैच में भी, दोनों पे शेड्यूल है। ठीक है, आप अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाओ, आपको सारी वेबसाइट, आपकी सारी जो प्लेलिस्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वो मिल जाएंगी। एंड रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज सबके जितने जितने लेक्चर्स आपके हो चुके हैं वो सभी लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो नो डाउट इन टूडे सेशन। चलिए तो कल मिलते हैं फिर से एट द 7:30 PM यूट्यूब पे, और 8 बजे मिलेंगे हम हमारे पेड बैच में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड स्टे सेफ।